हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस से शुरुआत करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने के चांसेस दोबारा इस वजह से ज़्यादा हैं कि वो कंपैरेटिवली कम समझ में आने वाले या कम लोग उनका मीनिंग जानते हैं। तो उन वर्ड्स को हम पहले सॉर्ट आउट करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के बाद फिर हम कुछ और वर्ड्स देखेंगे इस तरीके के जिनके पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, SSC, CGL, CHSL और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। तो जैसा कि डेट आ ही चुकी है CGL की भी और CHSL के एग्ज़ाम की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कमर कस ली होगी, तो उसी सीरीज़ में ये डिफ़िकल्ट वर्ड की सीरीज़ आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम आज कुछ वर्ड्स देखेंगे और रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से हम वर्ड्स करते जाएंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं आज से 3-4 महीने बाद, तो आपके पास आपका अच्छा खासा वो कैप जो है कवर हो चुका हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 14 वर्ड्स देखेंगे। एक पेज पे हैं मेरे, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम हो गई, मैंने लैपटॉप पे बनाया था तो सही था, ये मोबाइल पे आके ख़राब हो गया। अगली स्लाइड्स में मैं कोशिश करूँगा कि सही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? ये सारे वर्ड्स, एक बार फिर बता दूँ कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए हर हाल के अंदर। तो ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही हाईली ऑब्जेक्शनेबल हो या ऑफेंसिव हो, कोई बहुत ही आपत्तिजनक चीज़ है तो उसको क्या कहते हैं कि ऑब्नॉक्शियस है। दैट थिंग इज़ ऑब्नॉक्शियस, दैट जेस्चर वॉज ऑब्नॉक्शियस, हिज मैनर ऑफ टॉकिंग वॉज ऑब्नॉक्शियस, हिज चार्जेस, उसके इल्ज़ाम जो उसने लगाए वो ऑब्नॉक्शियस थे। तो हाईली ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव। ओडियस भी इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, जो कि मुझे याद है कि ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ODS, ODIOUS। तो आपको ऑब्नॉक्शियस का मतलब पता चल गया, हाईली ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव, और ODS भी एक इसका सिनोनिम है। इसको याद रखने के लिए एक तरीका हो सकता है कि आप नॉक्सिया ये वर्ड और नोजिया, नोजिया जो है उल्टी आना, घिन आना, तो वो ऑब्नॉक्शियस और नोजिया रिलेटेड हैं, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि कोई चीज़ घिन आती, यानी कि कोई और चीज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल है तो उससे आपको घिन आएगी, नौजिया। उससे भी आपको एक और वर्ड अगर नहीं पता है तो नौजिया का मतलब आपको पता चल गया कि फीलिंग ऑफ उल्टी आना, घिन आना। फिर एक कॉविनेंट। कॉविनेंट क्या होता है? कॉविनेंट एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि यूजुअली फॉर्मल होता है, एन एग्रीमेंट यूजुअली फॉर्मल बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू डू और नॉट टू डू समथिंग स्पेसिफाइड, मतलब एक तरीके से वादा करना, एक हिंदी में जिसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है करार करना, कि दो लोग करार करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एग्रीमेंट, एक सिंपल एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। कोविनेंट जो है वो एक फॉर्मल, यूजुअली फॉर्मल एग्रीमेंट को कहते हैं, जो दो लोग या दो पार्टीज़ करती हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़, कि यह हम ये करेंगे या हम ये नहीं करेंगे। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि क्या होता है, मतलब मैं मेमोरी की भी बता रहा हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में आ रही है तो वो इसलिए क्योंकि याद रखना अगर मुश्किल होता है तो कॉन्वेंट को ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने ऐसे याद रखा था कि कॉन्वेंट क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल्स में डिसिप्लिन बहुत होता है, तो कॉन्वेंट में अगर एडमिशन दिलाना है माँ बाप को तो उनसे वादा लिया जाता है कि आपका बच्चा जो है डिसिप्लिन में रहेगा। तो कॉन्वेंट में कोविनेंट करना पड़ता है कि हमारा बच्चा जो है डिसिप्लिन में रहेगा, ठीक है। फिर है डेफरेंस। तो डेफरेंस का मतलब जो है वो होता है कि आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, किसी की बात की इज्जत कर रहे हैं, भले ही आप उससे उसको माने या ना माने। रिस्पेक्टफुल और कर्टियस रिगार्ड, आप किसी को कर्टेसी दे रहे हैं, किसी की इज्जत कर रहे हैं, तो उसको जो है मतलब लिहाज कर रहे हैं, जिसको लिहाज कहते हैं, ज़्यादा बेहतर वर्ड जिसके लिए है।
तो रिस्पेक्टफुल और कर्टियस रिगार्ड को कहते हैं डेफरेंस। तो इसके लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि डेफरेंस डिफर से आसपास है, तो ये है कि हमें डिफर करना चाहिए डेफरेंस के साथ, यानी कि हमें एक दूसरे से विचारों में भले ही हमारे यहाँ भिन्नता हो, अलग हो, लेकिन हमें एक दूसरे की के विचारों की इज्जत करनी चाहिए। तो डिफर करें डेफरेंस के साथ, ठीक है। डेफरेंस को कंफ्यूज मत करिएगा डेफर से, DEFER का मतलब अलग होता है और डेफरेंस का मतलब अलग होता है, ये ENCE लग के मीनिंग चेंज हो जाता है। डेफर का मतलब जो सिंपली है वो डिले है, टालना, तो वो भी वर्ड पूछा जाता है, तो उसमें और डेफरेंस में कंफ्यूज मत करिएगा। डेफरेंस कर्टेसी रिगार्ड से है और डेफर डिले या टालने से है। फिर है इंटरप्रिट, तो इंटरप्रिट का मतलब कोई रिजोल्यूटली फियरलेस हो, डॉन्टलेस हो, यानी कि पूरे पक्के इरादे के साथ कोई इंसान निडर है, बेखौफ है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरप्रिट कहते हैं। तो रिजोल्यूटली फियरलेस या डॉन्टलेस, डॉन्टलेस, डॉन्टलेस का मतलब भी क्या होता है, फियरलेस ही होता है, क्योंकि डॉन्ट का मतलब जो है DAUNT, उसका मतलब होता है ओवरकम विथ फियर, तो डॉन्टलेस होना मतलब ओवरकम विथ फियर नहीं होना, यानी कि फियरलेस होना। तो उसको याद करने का एक तरीका ये भी इंटरप्रेट को ही हो सकता है कि एंटर रैपिड, आप किसी चीज़ में तेज़ी से कैसे घुस सकते हैं जब आपको कोई डर नहीं होगा, और अगर डर होगा तो आप देखभाल के सहम सहम के आप जाएंगे, लेकिन अगर आपको डर नहीं होगा तो आप किसी भी जगह पे जो है बेखौफ जल्दी से घुसते हुए चले जाएंगे। एंटर रैपिड से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर है कॉलोसल, कॉलोसल में कॉलोसल मतलब कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ग्रेट इन साइज हो, एक्सटेंट हो और डिग्री, जाइजेंटिक या ह्यूज है कोई चीज़, बहुत बड़ी है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉलोसल। कॉलोसल को याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि बहुत बार आता है ये अलग अलग उसमें बात आती है, कॉलोसल डैमेज हुआ अर्थ के, अर्थक्वेक की वजह से, द अर्थक्वेक कॉज कॉलोसल डैमेज, या द सुनामी कॉज कॉलोसल डैमेज। तो कॉलोस सल को ऐसे याद करते थे हम वहाँ पर कि को लॉस हुआ, यानी कि तुम्हारा भी फायदा नुकसान हुआ और मेरा भी नुकसान हुआ, को लॉस हुआ, तो तुम्हारा भी लॉस होगा, मेरा भी लॉस होगा, हम सबका लॉस होगा, इसका मतलब बड़ा लॉस होगा। तो डैमेज के साथ कोलोसल डैमेज एक फ्रेज आप याद रख सकते हैं, और उसको भी याद रखने के लिए मैंने बताया ना, को लॉस, तुम्हारा भी लॉस, मेरा भी लॉस, हमारा लॉस, यानी कि बहुत बड़ा लॉस। फिर है प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट का मतलब रिप्रोडक्शन या इंक्रीज इन नंबर और स्प्रेड रैपिडली, कोई चीज़ बहुत जल्दी बढ़ने लगे या उसकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ने लगे तो क्या कहलाती है, प्रोलीफरेट कहलाती है। तो बेसिकली जैसे अमीबा हम साइंस में पढ़ते हैं, अमीबा क्या होता है, सेल डिवीजन करके क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, एक से दो हो जाता है, फिर दो से और बढ़ते 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 बढ़ते, तो उसको प्रोलीफरेशन कहते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप प्रो प्लस रेट से याद रख लें, तो प्रो का मतलब प्रॉफिट और रेट प्रॉफिट का रेट, यानी कि प्रॉफिट का रेट होगा तो कोई चीज़ क्या करेगी, बढ़ेगी। फिर है सेंशर, इसको सेंशर प्रोनाउंस करते हैं, सेंसियर बोलना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें, देखिए आपसे प्रोनाउंसिएशन के तो नंबर ले नहीं रहा है, मांग मिलेंगे नहीं आपको, तो आप जो प्रोनाउंस करते हैं चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सही प्रोनाउंसिएशन आता है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं भी आता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वर्ड और उसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, वर्ड का मीनिंग और उसकी स्पेलिंग। तो सेंशर है, सेंशर का मतलब है कि आप कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, आप बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज़ को डिसअप्रूव करें, मना करें, इनकार करें किसी चीज़ का, या किसी को जो है आप बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ करें, या जो है उसे डांटें, उसकी कमी निकालें हार्श मैनर में, तो उसको क्या कहते हैं, सेंशर कहते हैं। तो इस तरीके से याद किया जा सकता है कि सेंसर करना मतलब किसी को, सेंसर करना मतलब किसी को सेंसर करना, वो सेंसर बोर्ड होता है ना, तो किसी को सेंसर कर दिया, यानी कि कब करते हैं हम सेंसर, कि जब हमें मतलब हम सेंसर करते हुए क्या कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, तो ऐसे आप सेंसर को याद रख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वेहमेंट एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल या टू क्रिटिसाइज समवन इन अ हार्श मैनर। फिर है डिलीजेंट, तो
तो डिलीजेंट का मतलब कोई चीज़ बहुत ही मेहनत से की जाए, तो उसको पेन स्टेकिंग हो कोई चीज़, या कॉन्स्टेंट इन एफर्ट टू एकम्प्लिश समथिंग, किसी कॉन्स्टेंट एफर्ट लगाना किसी चीज़ में। जैसे आप SSC की तैयारी में, अगर आप सिंसियर तैयारी कर रहे हैं, जो कि मुझे उम्मीद भी है, तो आप क्या कर रहे हैं, डिलीजेंटली प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेन स्टेकिंग, कॉन्स्टेंट इन एफर्ट टू अकम्प्लिश समथिंग। तो इसको याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि डिलीजेंट को आप दिल्ली कर दीजिए। तो दिल्ली में रहना है तो ऑब्वियसली आपको पता है ना, दिल्ली में रहना मतलब दिल्ली में रहना महंगा होता है, बड़ा शहर है तो उसके खर्चे हैं, तो आपको वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन कंपैरिजन टू छोटे शहर या गांव में। आपका बहुत कम में खर्चा चल जाएगा, छोटी नौकरी में भी काम चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए। फिर है क्विवर। तो क्विवर का मतलब होता है कपकपाना, वाइब्रेट ट्रिमेंडसली, ट्रैम्बल करना, ट्रैम्बल एक और सिनोनिम है इसका। तो मुझे इसकी कोई मेमोरी की याद नहीं आ रही है। क्विवर, शिवर, शिवर एक है, शिवर भी कांपने को कहते हैं, ठंड से कांपने को शिवरिंग, शिवर, क्विवर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। शिवर एक बहुत कॉमन वर्ड है, तो शिवर और क्विवर से आप रख सकते हैं, कपकपाना ही दोनों का मीनिंग हो जाता है। शिवर किससे होता है कि ठंड में आप कपकपाते हैं। फिर है मोमेंटस। देखिए, मोमेंटस से कहीं ये मत लगा दीजिएगा कि कोई चीज़ सिर्फ कुछ लम्हों की मोमेंट्स से रिलेटेड है, इसलिए मोमेंटस। यहीं पर आप गच्चा खा जाएंगे, यहीं पर आप धोखा खा जाएंगे। मोमेंटस का मतलब उल्टा होता है बिल्कुल, क्योंकि आप सोच रहे होंगे मोमेंटस का मतलब, आप ऑलमोस्ट समझ रहे होंगे मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी है जो सिर्फ लम्हों के इम्पोर्टेंस की है, कुछ लम्हे की है, यानी कि उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन मोमेंटस इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो मोमेंटस का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ही ग्रेट या फार रीचिंग इम्पोर्टेंस, या उसके कंसिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं कि मोमेंटस है वो चीज़। तो कहा जाए कि अ मोमेंटस डे, जैसे अगस्त 15, 1947 वॉज अ मोमेंटस डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एज इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो वो मोमेंटस डे था। या अभी हमारा 26 जनवरी गया है, तो रिपब्लिक डे इज़ अ मोमेंटस डे इन आवर हिस्ट्री बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस डे। तो मोमेंटस को बिल्कुल उल्टा समझिए मोमेंट्री से, क्योंकि मोमेंट्री का मतलब लम्हा, लम्हे से रिलेटेड है। इसको ये एक या एक और तरीके से याद किया जा सकता है कि आप समझिए ऐसे, इसको तोड़ दीजिए, मोमेंटो और अस। तो आप ये सोचिए कि आप हैं और आपके दोस्त या आपकी फैमिली है, सबको मोमेंटो मिले, मोमेंटो तोहफा मिले, वो मोमेंटोज जो मिलते हैं प्रोग्राम्स में, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाएगा। कैसे, बहुत ही रेयर ऐसा हो सकता है ना कि आपको और आपके सब लोगों को, फैमिली को या आपके सारे ग्रुप को जो है मोमेंटो मिले, तो वो आपके लिए मोमेंटस दिन मिल जाएगा, हो जाएगा। तो मोमेंटो प्लस अस, उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। फिर एक कंसाइनी। देखिए, कंसाइनी का मतलब ये है कि कोई चीज़ उस इंसान या उस पार्टी को कंसाइनी कहा जाता है जिसके लिए कोई चीज़ कंसाइन कर दी गई, यानी कि उस तक पहुंचनी है, यानी कि उसको दी जानी है, उसको कहते हैं कंसाइनी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब तरीका कोई फूल प्रूफ नहीं है, आप इससे आसान तरीका भी शायद कोई सोच सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि क्रिएटिवली आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता याद करने के, मेमोरी की आदमी अपने दिमाग से ही बनाता है, तो आप हो सकता है मुझसे अच्छी बना लें। तो कंसाइनी को मैंने ऐसे याद किया था कि कौन साइन करेगा इस पे, तो कौन साइन, ई बहुत सी जगह पे दिखा देते थे, ई क्या है, तो ई, तो कौन साइन ई, यानी कि कौन साइन करेगा और इस चीज़ को लेगा मुझसे, तो डिलीवरी बॉय कह रहा है कौन साइन ई। फिर है ट्रैम्प। देखिए, ट्रैम्प एक ऐसे इंसान को कहा जाता है, सिंपली कहा जाए तो ट्रैम्प जो है एक बंजारे आदमी को कहा जाता है, लेकिन ये ट्रैम्प उन पर्टिकुलर लोगों के लिए ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट के अंदर, जो पैदल जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है खानाबदोशी की ज़िंदगी जीते हैं, और कभी कोई काम कर लेते हैं, कभी कोई ऑड जॉब्स करके थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ताकि खा पी पाएँ,
और मतलब जो कभी किसी ने कहीं मतलब किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने चैरिटी दे दी, कुछ दे दिया, तो इस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्रैम्प कहते हैं। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि वन वर्ड में भी ये चीज़ आ सकती है, अ पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फुट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, लिविंग ऑन ओकेजनल जॉब्स और गिफ्ट्स ऑफ मनी और फूड। फिर है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है कोई फ्रेंडली हो या पीसेबल हो, मतलब शांत आदमी हो, शांति और अच्छे से रहने वाला, दोस्ताना जिसका मिजाज हो, वो क्या कहलाता है, एमिकेबल। तो एमिकेबल को याद रखने का एक तरीका और भी है कि ऐसे तोड़ सकते हैं इसको वर्ड को कि अ माइक एबल, एक ऐसा इंसान जिसको आप माइक देंगे। MIC भी माइक को MIC भी इस्तेमाल करते हैं स्पेलिंग उसके लिए, तो अ माइक एबल, यानी कि आप ऑब्वियसली किसको माइक देना पसंद करेंगे, जो फ्रेंडली होगा, जो अच्छा आदमी होगा, उसको आप चाहेंगे कि माइक मिले अगर किसी भी इवेंट के अंदर बोलने के लिए, ठीक है। फिर है प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या है कि वाइज और जुडिशियस इन प्रैक्टिकल अफेयर्स, के ज़िंदगी के प्रैक्टिकल चीज़ों में कोई इंसान अक्लमंद है, वाइज है और अच्छे फैसले कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं। और दूसरा एक मीनिंग ये भी होता है कि प्रूडेंट का मतलब जो अपने फ्यूचर की, अपने या औरों के फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए अच्छी प्लानिंग करे और प्रोवाइड, मतलब पूरा एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि लोगों को फ्यूचर की नीड्स भी उनकी पूरी हों, उन उस इंसान को क्या कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं, या उस अप्रोच को क्या कहते हैं, प्रूडेंट कहते हैं। तो प्रूडेंट को याद करने का एक तरीका और भी है एक्चुअली ये कि बहुत फेमस किताब है मैथ्स में राकेश यादव सर की, राकेश यादव सर की कोचिंग का नाम जो है प्रूडेंस है। तो प्रूडेंस के अंदर यही क्लेम किया जाता है कि लोगों को क्या बनाते हैं, वो अक्लमंद बनाते हैं ताकि वो SSC क्वालिफाई कर पाए। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आज डिस्कस किए, और इसी तरीके से मैं आने वाले दिनों में ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की सीरीज़, अगर आपको पसंद आती है, आपको अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं और इसको प्रायोरिटी के साथ मैं आपके सामने लेके आऊं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया है तो कर लीजिएगा, अगर और अगर नहीं चाहते हैं सब्सक्राइब करना तो कोई बात नहीं, मत करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, अपनी पढ़ाई अच्छे से रखिए और फोकस रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।